दोस्तों बिग बिलियन डे सेल आने में अब ज्यादा टाइम नहीं है। सितंबर एंड तक आपको बिग बिलियन डे सेल देखने को मिल जाएगा और उसके ऊपर बहुत सारा मुझे यहाँ पे इंक्वायरी देखने को मिल रहा है, इंस्टाग्राम पे डीएम देखने को मिल रहा है, जहां पे मुझे ये पूछा जा रहा है कि किस तरह से हम लोग आईफोन को ईएमआई में खरीद सकते हैं। जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है वो लोग तो खरीद पाएगा ही, लेकिन जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है डेबिट कार्ड से कैसे ईएमआई किया जाए, इनफैक्ट बहुत लोगों के पास बैंक अकाउंट भी नहीं है, बोलो कैसे ईएमआई पे आईफोन ले सकता है, आज के वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, हमारे चैनल पे आईफोन का गिवअवे चल रहा है, तो अगर आप लोग अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए हो तो गिवअवे वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप लोग जरूर से पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उसमें हम लोग एक 5G आईफोन गिवअवे कर रहे हैं 50,000 सब्सक्राइबर के खुशी में। तो जनरली अगर हमें ईएमआई पे कुछ भी लेना है तो हम लोग तीन तरह से ईएमआई करा सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है जहां से आप इजीली यहां पे ईएमआई करा सकते हो। दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप डेबिट कार्ड से भी ईएमआई करा सकते हो। और थर्ड ऑप्शन रहता है कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, केवल एक फ्लिपकार्ट का अकाउंट है, तब आप ईएमआई पे कैसे आईफोन ले सकते हो। तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, और बहुत लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होने के बावजूद भी मैक्सिमम डिस्काउंट गेन नहीं कर पाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि किस तरह से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पाना है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या तो डेबिट कार्ड है। यहां पे आप लोग देख सकते हो, मैं यहां पे फ्लिपकार्ट का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लिया हूं। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में अभी फिलहाल गोट सेल चल रहा है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल्स में वीडियो बनाया है क्या कुछ ऑफर आ रहा है, तो हम लोग उसके बारे में आज इस वीडियो में नहीं बात करेंगे। तो डायरेक्टली यहां से हमें फोन चूज करना है, जो भी फोन लेना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी एक आईफोन चूज कर लेता हूं और उसमें आप लोगों को प्रोसेस बता देता हूं। बाकी आपको जो भी प्रोडक्ट लेना है सेम प्रोसेस को आप उस प्रोडक्ट के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पे मैं आईफोन 12 को क्लिक कर लेता हूं। यहां पे आप लोग देख सकते हो, जो भी कलर आपको लेना है उस कलर ऑप्शन को आप लोग सिलेक्ट कर लेना। तो यहां पे बहुत बार ऐसा भी होता है कलर ऑप्शन चूज करते समय कि एक दो कलर का जो प्राइस होता है वो कम रहता है, ज्यादा डिमांडेबल वाला कलर है उसमें ज्यादा प्राइस रहता है। तो अगर आपको थोड़ा यहाँ पे भी पैसा बचाना है तो आपको सारे कलर का एक बार प्राइस चेक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आईफोन 12 64GB ब्लू कलर को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद चलेंगे यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा, स्कीप एंड कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक करते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हो, अगर आपके पास जीएसटी नंबर वगैरह होगा तो आप यहाँ से जीएसटी नंबर को डाल सकते हो, नहीं अगर है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको यहां से आगे जो है वो कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप आगे कंटिन्यू कर दोगे, तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपके पास जितने भी सारे क्रेडिट कार्ड है वो ऑलरेडी फ्लिपकार्ट के ऊपर सेव होना चाहिए, तब यहां पे आपको सारे के सारे डिस्काउंट जो है वो ऑलरेडी इसी पेज में दिखा देता है कि कौन सा कार्ड में कितना सारा ऑफर है। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर 1955 रुपीज का कैशबैक है। तो मैं कार्ड को डाल के रखा हूं इसलिए मुझे ये पता चल रहा है। बाकी कार्ड के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो, जैसे स्टेट बैंक कार्ड के ऊपर ऑफर नहीं है, आईसीआईसीआई के ऊपर ऑफर नहीं है। तो जो भी कार्ड है आपके पास आप पहले से इनपुट करके रखो। तो पहले आपने अपना कार्ड चूज कर लिया और उसके बाद यहाँ पे आपको पे इन ईएमआई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है और पहले ही आपको वेरीफाई कर लेना है कि आपको जो ईएमआई मिल रहा है क्या वो नो कॉस्ट ईएमआई है, क्या उसमें आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। जैसे यहां पे आप लोग देख सकते हो, 3 मंथ के लिए 16% यहां पे इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन जब यहां पे आपका बीबीडी सेल आ जाएगा उस समय जनरली सारे कार्ड के ऊपर आपको नो कॉस्ट ईएमआई देखने को मिलता है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो, यहां से हम लोग मंथ चूज कर सकते हैं, 3 मंथ का करा सकते हैं, 6 मंथ का ईएमआई करा सकते हैं, चाहे तो 12 मंथ करा सकते हैं, 18 मंथ करा सकते हैं। बहुत बार मैंने फ्लिपकार्ट के ऊपर नोटिस किया है कि अगर आप 6 मंथ का ईएमआई कराते हो तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, अगर आप 12 मंथ का कराओगे तो कम भी कभी कभार देना पड़ता है। तो उस चीज को आप लोग देख लेना। जैसे अभी के केस में इंटरेस्ट जो है वो हर जगह पे सेम है। उसके बाद चूज प्लान को ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और डायरेक्टली यहां पे आप अपना सीवीवी नंबर डालने के बाद ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। इस तरह से आपका क्रेडिट कार्ड के ऊपर ईएमआई बहुत ही आराम से हो जाता है। बाकी आपको सेल से पहले ही पता कर लेना है कि कौन सा कार्ड पे एक्चुअल में आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिलेगा,
कौन सा कार्ड के ऊपर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा वो आपको पहले से पता होना चाहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हम लोग इसी तरह का वीडियो बनाते हैं। जैसे ही सेल आ जाएगा उससे पहले हम लोग वीडियो में आप लोगों को बता देंगे कि कौन सा कार्ड के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट आ रहा है, ईएमआई रेट क्या रहने वाला है। तो तरह तरह का जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड से किस तरह से ईएमआई करना है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट चूज कर लिया है, ये प्रोडक्ट मैं एग्जाम्पल के लिए शूट कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों का जो भी प्रोडक्ट लेना है सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें iPad 9 जनरेशन लेना है, 64GB वाला वर्जन। सारा डिटेल्स यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, जितना जीबी मुझे चाहिए, जो भी कलर चाहिए मैंने चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बाय नाउ ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हो बहुत बार यहाँ पे सुपर कॉइन का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। सुपर कॉइन से आपको जनरली 100-150 कॉइन कटने के बाद 100-150 रुपया यहाँ पे प्राइस भी कम हो जाता है, तो वो चीज आपको पहले ही चेक कर लेना है। यहां से चलेंगे हम लोग, फिर कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन में आ जाओगे, आपको यहीं पे दिख जाएगा कौन सा डेबिट कार्ड के ऊपर यहाँ पे आप नो कॉस्ट ईएमआई या तो ईएमआई कर सकते हो। जैसे कि अभी जैसे ही मैं ईएमआई सेक्शन में आ रहा हूं, आप लोग यहां पे नोटिस कर सकते हो, लिखा हुआ आ रहा है गेट डेबिट एंड कार्डलेस ईएमआई ऑन एचडीएफसी बैंक। तो यहां पे आपको एचडीएफसी बैंक में फिलहाल डेबिट कार्ड के ऊपर ईएमआई मिल रहा है, लेकिन जब सेल स्टार्ट होगा, बीबीडी सेल या तो अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल, उस समय आप लोगों को बहुत सारे डेबिट कार्ड के ऊपर ईएमआई देखने को मिलेगा। तो जिस भी डेबिट कार्ड के ऊपर आपको यहां पे ईएमआई ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको वहां पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि अभी मेरे पास ये जो स्टेट बैंक का कार्ड है वो एक डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और सी प्लेन ऑप्शन को देख सकता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन में यहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। क्रेडिट कार्ड में हमारा यहाँ पे लग रहा था 16%, यहाँ पे 16.5% लग रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को क्रेडिट कार्ड के एग्जाम्पल में बताया था कि अगर मैं 3 मंथ में पे करूँ तो मुझे 16.5% लगेगा, जबकि अगर मैं यहाँ पे 6 मंथ में पे करूँ तो मुझे 15% लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए ले रहे हो तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। आपको ज़्यादा टाइम भी मिल रहा है और इंटरेस्ट भी आपको कम पे करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को आपको सेल के टाइम पे देख लेना है, क्योंकि बहुत बार ये जो इंटरेस्ट गैप होता है वो हायर मॉडल फोन के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए आपको डेफिनेटली इस चीज को चेक करना है। उसके बाद आपको जितने मंथ का यहाँ पे ईएमआई करना है उसको चूज करके आपको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आप लोग आराम से अपने डेबिट कार्ड के ऊपर भी यहाँ पे ईएमआई कर सकते हो, बहुत ही आराम से। अब लास्ट ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि अगर मेरे पास डेबिट कार्ड भी नहीं है, अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, मेरे पास कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, तब भी मैं किस तरह से ईएमआई पे फ्लिपकार्ट के ऊपर आईफोन या तो कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकता हूं, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो यहां पे हम लोग आईपैड कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं या तो कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास यहां पे आईपैड 10th जनरेशन जो है वो आ गया, तो मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूं। बस यहां पे मुझे आप लोगों को शो करना है कि किस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। उसके बाद यहां पे चलेंगे बाय नाउ ऑप्शन को हम लोग क्लिक करेंगे, स्कीप एंड कंटिन्यू करेंगे। पेमेंट मेथड तक आने आते आपका जो प्रोसेस है वो लगभग यहाँ पे सेम है। उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो सबसे ऊपर आपका यहाँ पे लिखा हुआ आएगा फ्लिपकार्ट पे लेटर एंड ईएमआई। ये जो फ्लिपकार्ट पे लेटर वाला ऑप्शन है एंड ईएमआई वाला ऑप्शन है, यही आपका कार्डलेस ईएमआई। यहाँ पे आपको कोई भी कार्ड की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्लिपकार्ट पे लेटर ऑप्शन को मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये आ रहा है कि पे 34,900 इन ईएमआई। यहाँ पे भी आप ईएमआई कर सकते हो और इसके लिए आपको कोई भी कार्ड नहीं चाहिए, तो सी प्लेन ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 मंथ या तो 6 मंथ या तो 9 मंथ, जबकि मोस्ट इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी किसी भी टाइप का कोई सेल नहीं चल रहा है, फिर भी यहाँ पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप 9 मंथ में जाओगे तो आपको यहाँ पे 24% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस तरह से फ्लिपकार्ट पे लेटर ऑप्शन को सिलेक्ट करके भी आप प्रोडक्ट का ईएमआई कर सकते हो। लेकिन ये जो फ्लिपकार्ट पे लेटर ऑप्शन है ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका लिमिट 20,000 हो सकता है किसी का लिमिट 50,000 हो सकता है किसी का लिमिट 1,00,000 भी हो। जितना ज्यादा कोई ट्रांजेक्शन करता है उसके अकॉर्डिंग फ्लिपकार्ट ये चीज प्रोवाइड करता है। जैसे अगर मेरा आप लोगों को मैं दिखा दूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्लिपकार्ट पे लेटर अवेलेबल बैलेंस
70,000 यहाँ पे मेरा शो कर रहा है। अप टू 70,000 का कोई भी प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई ले सकता हूँ, किसी भी तरह से यहाँ पे ईएमआई करके ले सकता हूँ। और मुझे जब मेरा यहाँ पे ईएमआई डेट आएगा उससे एक दो दिन पहले फ्लिपकार्ट के ऊपर वो पैसा डाल देना है। इस तरह से बिना कोई क्रेडिट और बिना कोई डेबिट कार्ड के ऊपर भी आप फ्लिपकार्ट के ऊपर ईएमआई करा सकते हैं। तो ये था कंप्लीट वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ लेना, मैं हर एक को रिप्लाई करता हूं। चैनल में अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।